नमस्ते आप सब लोगों को। आप लोगों को मैं दिखाई दे रही हूँ, नजर आ रही हूँ आप लोगों को। जल्दी से बताओ सब लोग, आप लोगों को मैं नजर आ रही हूँ, जल्दी बताओ। चलो चलो चलो, आ रही हूँ, नजर आ रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सब लोगों को। नमस्ते आप सब लोगों को, कैसे हो आप सब लोग। आशिमा, जतिन, रमेश, जतिन अगर एक बार लिखोगे मुझे तो भी दिखाई देता है। करिश्मा, परदेसी, गौतम जी, नमस्ते आप सब लोगों को। गणेश, अंकिता, जागृति, रिहान, संजय, नृत्या, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सब लोगों को। नमस्ते आप सब लोगों को। दीपक, कोमल, अरे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ गए भाई। अवधेश, माही, सब लोगों को प्यार से नमस्ते। नमस्ते आप सब लोगों को। मैं नैंसी भाटी आप सब लोगों का एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पर एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। आज हम लोगों ने जो बातें सीखी हैं परसेंटेज की और थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन की, आज हम सारी की सारी उन बातों को यूज करने वाले हैं। आज का सेशन आप सब लोगों के लिए बहुत शानदार सेशन होने वाला है, तो जल्दी से जुड़ जाओ आप सब लोग और सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई। लाइक और शेयर करना तो बनता है। हिमांशु, शहजाद, अश्वनी, अमन, देवकी, नंदन, आकांक्षा, धीरज, संकेत, जितेंद्र, रोमन, बनता है कि नहीं मुझे बोलो, नहीं मुझे बताओ। धीरज, मनीषा, ओजस्वी, बताओ मुझे ओजस्वी, रोमन, धीरज, बताओ मुझे शेयर करना बनता है कि नहीं, है ना। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करो, अपने मित्रों तक जरूर इस सेशन को पहुंचाओ, ठीक है। सब लोगों को पता चलना चाहिए कि नैंसी मैम है इस दुनिया में पढ़ाती हैं, जो उनकी एक तो सुबह 11 बजे क्लास लगती है और एक शाम को 5 बजे, एक तो सुबह 11 बजे क्लास लगती है और एक शाम को 5 बजे, हर दिन उनकी क्लास लगती है, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते। अच्छा मुझे ये बताओ कितने लोग रेडी हैं सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। एक जैक करा लगाऊं क्या, जल्दी से बताओ सब लोग, एक जैक करा लगाएं। जैक करा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। सब लोग एक बार जैक करा लगाओगे प्यार से और हम लोग शुरू करेंगे आज का शानदार सेशन। जल्दी से एक बार जितने लोग रेडी हैं सब लोग फटाफट से जैक करा लगा दें, जल्दी से सब लोग। करना चाहिए, बिल्कुल रोमन सही बोल रहे हो, ठीक है, हरिओम। चलो जी, बहुत ही शानदार। आकांक्षा रेडी है, अश्विनी, रोमन, मनीषा, ओजस्वी, सब लोग रेडी हैं। चलो आ जाओ, शुरू करेंगे सेशन। कुछ बातें आप लोगों के से मैं सीखूंगी, कुछ बातें आप मेरे साथ आप लोग सीखोगे। सीखने से पहले आप लोग मुझसे सीखो, उससे पहले आप लोगों से मैं कुछ सीखती हूँ। आप सब लोग पहले मुझे बता दो 26 का क्यूब, आप मुझे बता दो 27 का क्यूब, आप मुझे बता दो 28 का क्यूब। आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूं, और जिन लोगों को पता है वो 29 का क्यूब भी बता सकते हैं, जल्दी से सब लोग। चलो चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ 26 का क्यूब, 27 का क्यूब, 28 का क्यूब, 29 का क्यूब। मुझे 26 का क्यूब आप लोगों से जानना है। 26 का आपको मैंने याद करवाया था, जल्दी बताओ 17576, जल्दी बताओ 26 का क्यूब 17576। नहीं मनीषा, कोई आवाज नहीं आ रही है मेरे पास से, कोई आवाज नहीं आ रही है। सुरेश और सॉल्यूशन ने बता दिया है 17576, वेरी गुड। 27 का क्यूब बताओ, चलो जल्दी से 27 का, 27 का क्यूब क्या होगा 27 का, फटाफट से सब लोग। सत्ताईस का क्यूब क्या होगा 19683, 27 का 19683। 28 का क्या होगा, चलो जल्दी से बताओ 28 का क्यूब क्या होगा। 28 का क्यूब क्या होगा 21952, 21952 28 का क्यूब होगा। 29 का क्यूब क्या होगा, चलो जल्दी से बताओ 29 का, 29 का क्यूब लास्ट आप लोगों से पूछ रही हूं, 29 का क्यूब जल्दी से बताओ। 29 का क्यूब करेंगे तो 9 आ जाएगा यूनिट प्लेस पर, 9 आ जाएगा यूनिट प्लेस पर,
1929 का मिस्टर विवेक और अवधेश शुक्ला, जल्दी से सब लोग। 19683 27 का लिख दिया है, वेरी गुड। 28 का 21952 होगा, 26 का 17576 होगा। आपसे मैं पूछ रही हूँ 29 का, उसके बाद 30 तक के जो क्यूब है वो हम लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। 30 का क्यूब आप सब लोगों को पता है 27000 होगा, 30 का क्यूब होगा 27000, 29 का क्यूब 29 का क्यूब क्या होगा 24389। 29 का क्यूब होगा 24389। 29 का 24389, 28 का, 27 का, 26 का। मैंने अपना काम कंप्लीट करवा दिया आपको, 1 से 30 तक के क्यूब मैंने बोला था आपको याद करने के लिए, मेरी बात सुन लो, मैंने आपको अपना काम कंप्लीट करवा दिया है। क्यूब याद हम लोग कर रहे हैं 1 to 30 तक, 1 से लेकर के 30 तक मैंने आपको याद करा दिए हैं, ठीक है। स्क्वायर हम लोगों ने 50 तक याद करना है, स्क्वायर का काम अभी अधूरा है, हम लोगों ने 30 तक ही सीखे, आगे सीखेंगे धीरे धीरे। 30 तक मैंने आपको, मेरे ख्याल से 35 तक बल्कि हम लोगों ने सीख लिए थे, ठीक है। 35 तक हम लोगों को 50 तक के स्क्वायर करने हैं पहले कंप्लीट, ठीक है। अब क्योंकि आज का सेशन सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड है तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का, आप इसको किस तरीके से हैंडल करोगे। 26% ऑफ 550 माइनस एक्स इज इक्वल टू 128। जल्दी से सब लोग इसका आंसर बताएंगे फटाफट से। प्रियंका, दीपक, आकांक्षा, 24389 29 का, वेरी गुड। हिमांशु जी, आपने आज ज्वाइन किया है तो हिमांशु आपको पिछले वाले सेशन देखने चाहिए ना, लगातार आपको सेशन देखने चाहिए, ठीक है। नमो, नमो ने आंसर बताया 15, दिव्यांशु ने आंसर बताया 15, वेरी गुड। ए ऑप्शन बहुत सारे, मेरे को आंसर आप लोगों का यहां पर मैटर नहीं करता, मुझे अप्रोच जाननी है क्योंकि शुरुआत हम लोग कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन को सीखने की, है ना। हम लोगों ने सीखना है, ये नहीं आप लोगों ने जिसने भी आंसर फर्स्ट बता दिया बाकी के जो स्टूडेंट है वो आराम से बैठ जाए कि हम लोगों से तो नहीं आ रहा है, फास्ट नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होता है बिल्कुल भी। अभी हम लोग सीख रहे हैं आराम से, धीरे धीरे आप सब लोग सीख जाओगे, ठीक है। 15 आंसर बहुत सारे लोग बता रहे हैं, 15 आंसर बहुत सारे मेरे बच्चे बता रहे हैं, इधर तो समझो जी, इधर देखो, अच्छा इधर लिख रही हूं मैं, देखना। 26% ऑफ 550, 26% ऑफ 550 माइनस एक्स इज इक्वल टू 128, ये क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बोला हुआ है, आप 26% ऑफ 550 को 26/100 इंटू 550 लिख करके सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये कंपटीशन के वैसे तरीका नहीं है, ये कंपटीशन वाला तरीका बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करोगे, आप इसको दो उधार दोगे, आप इसको दो उधार दोगे तो ये क्या बनेगा, इधर देखो 13% ऑफ, दो उधार दोगे तो कितना बनेगा 1100, है ना। अगर आप इसको दो उधार दोगे, परसेंट से दो जीरो काटो, 11 से गुना करना है आपको, 11 से गुना करना मैंने सिखाया है ना, 3 × 4 = 143 माइनस एक्स इज इक्वल टू 128, 143 में से 128 माइनस करना है बस, 13 में से 8 माइनस करते हैं, 5 3 में से 2 माइनस करते हैं, एक एक्स की वैल्यू 15, एक्स की वैल्यू 15, ए ऑप्शन आंसर होगा, ए ऑप्शन आंसर होगा। मेरी बात सुनो, मेरी क्लास चलती है शाम को, सुबह 11 बजे नया बैच शुरू हुआ है, शाम को 5 बजे बैच शुरू हुआ है, जिसकी 2 से 3 क्लासेस ही लगी हैं। हिमांशु आप देख सकते हो, आप सब लोगों को एक बात मैं बताना चाहूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन। अगर मैं सिंप्लीफिकेशन की बात करूं तो क्लर्क में 10 मार्क्स की आती है, 10 नंबर की आएगी, और अगर मैं बात करूं पीओ की तो पीओ में अप्रोक्सीमेशन आएगी 5 नंबर की, पीओ में अप्रोक्सीमेशन आएगी 5 नंबर की। क्लर्क के एग्जाम की बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन 10 नंबर। आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, सब में आपको सिंप्लीफिकेशन 10 नंबर मिलेगी, तो ये बहुत ज्यादा मार्क्स है 10 मार्क्स, तो आपको इनको कलेक्ट करना है, ठीक है। और वो आप जल्दी कैसे कलेक्ट कर सकते हो, जब आपको अप्रोचेस पता होंगी, आप लोग जब स्पीड अपनी बढ़ाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी बताओगे सब लोग आंसर।
बिल्कुल आशीमा जी, मेरी एक क्लासेस जो है 13 अप्रैल से चल रही है, आज 1 वीक हो गया, 1 वीक की क्लासेस आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। 13 अप्रैल से नया बैच शुरू हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, बिल्कुल अवदेश, जितने मेरे सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे सारे बच्चों को आता है, मैंने सिखा रखा है ये, तुम लोगों को याद कराया था ना। 14 2/7% किसके बराबर होता है, 1/7 के, 1/7 × 4200 डिवाइडेड बाय में अंडर द रूट 576, सबको पता ही होता है 24 का, और ये क्या है x × 1/2, ये यहां पर लिखा गया, इसको सोल्व करना है तो सोल्व कर सकते हैं। 7 6 42 ये हो जाएगा, 12 से इसको काट दो, 12 2 24, 12 5 60 50, ये 2 से 2 कैंसिल करो, x की वैल्यू 50 नहीं आएगी, मुझे बताओ x की वैल्यू 50 आ रही है, 50 आएगा, जीरो लगानी भूल गई होगी कंटेंट मेकर, डी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, 50 इसका आंसर बनेगा, जल्दी बताओ सब लोग बताओ भाई इसका आंसर, सब स्टूडेंट बताओ, तुम लोग इतना समय क्यों ले रहे हो। 7 से काट दिया 4200 को 600 पर, सही किया ना मैंने, 12 2 24, 12 5 60 50, 2 से 2 कैंसिल किया, x की वैल्यू 50 आ गई, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओजस्वी इतनी लेट क्यों बताया संकेत, सब लोग बताएंगे जिन लोगों ने सोल्व किया है, सब लोग, आप लोग अंदाजा लगा लिया करो ना यार अपने आप से, आपको इससे पता भी चलेगा ना, आपकी थोड़ी सी जो मतलब कॉमन सेंस है वो बढ़ेगी। बढ़ेगी कैसे, क्योंकि सारे ऑप्शन गिवन है, सारे के सारे ऑप्शन गिवन है, कोई नन ऑफ दिस तो है नहीं, और यहां पर हर एक 2 या 3 डिजिट का है, तो कंटेंट मेकर 0 ही लगाना भूल गया होगा, तो यहां पर 50 इसका आंसर बनेगा, 50 डी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, 50, ठीक है। गुड इवनिंग पूजा, हर सेशन में लेट आ रही हो पूजा, चलो इस क्वेश्चन को करो, और मैं देखना चाहती हूँ आप इसको किस तरीके से सोल्व करोगे, ठीक है, करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ हरिओम, कोई बात नहीं हरिओम, कोई बात नहीं, हाँ नमो, मुझे पता था 5 ने कंफ्यूज कर दिया, कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे आप लोग मेरे सेशन अटेंड करोगे ना, कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर हो जाएगी, क्योंकि कंटेंट मेकर मेरी बहुत गलतियां करती है, ठीक है, तो आपको गलतियां सुधार लोगे आप खुद ही धीरे धीरे। चलो बहुत बढ़िया दशरथ, वेरी गुड दशरथ, गुड इवनिंग सुरेंद्र जी, गुड इवनिंग, नमस्ते। हाँ जी हिमांशु, क्लास डेली होती है, हिमांशु क्लास हर दिन होती है, ठीक है, कोई बात नहीं अवदेश, कोई बात नहीं, मैं रोज लूंगा हिमांशु, चलो बहुत अच्छी बात। अच्छा जितने मेरे बच्चे यहां पर प्रेजेंट है, मुझे बताओ इसको किस तरीके से सोल्व करें, आप लोग बताओ, ऑप्शन इसलिए नहीं दिया ताकि तुम लोग सीख पाओ जल्दी से, मुझे बताओ आप लोगों को ये मैंने याद कराया है, आप इसको क्या लिखोगे बताओ, 200% प्लस 87.5% लिखोगे, जल्दी बताओ, और इसको आप लोग क्या लिखोगे, 200% प्लस 91.66%, और ये परसेंटेज मैंने आपको पहले भी कराई है, आपको याद है इससे पहले वाले सेशन में, 91.66% यानी कि 91 2/3%, 91 2/3%, ये कब आएगा, ये तब आएगा जब आप 100% में से माइनस करोगे 81 1/3%, बोलो बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ सब लोग मुझे बताते जाओ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। श्रेया मैम दिल खुश हो जाता है आपको पढ़ाते देखकर, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आशीमा क्लास नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है भाई, नहीं आ रही है। अच्छा मेरे बच्चों एक बात मुझे बताओ, 200% को तो 2 लिखोगे प्लस में, 87.5% किसके बराबर है, चलो जल्दी से मुझे बताओ, सब लोग मेरी हेल्प करो, 87.5% किसके बराबर है, तुम्हें मैंने याद करवाया हुआ है, 81 1/3% तो सबको पता है 1/12 के बराबर, 1 − 1/12 दैट इज 11/12 11/12, तो 91.66% तो 11/12 के बराबर होता है, 91.66% तो 11
12/12 के बराबर होता है, तो इसको तो 11/12 लिख लोगे और 200% को 2+11/12 लिख लोगे। ये 2 है, 87.5% किसके बराबर होगा, 87.5% किसके बराबर होगा, जल्दी से बताओ सब लोग, सबको आता है। 7/8 लिख दूं क्या प्यार से, चलो ये बताओ 7/8, 7/8, 2+7/8 लिख दूं, जल्दी से बताओ सब लोग। सेवन बाय एट, वेरी गुड, अरे शानदार, कमाल कर दिया है भाई, 7/8 होगा, वेरी गुड। अच्छा इधर देखो, 8 × 2 = 16, 16 और 7 कितना होगा 23 ना, 23/8 ना, 23/8 × 240, 23/8 × 240 प्लस में 2+11/12, 12 × 24 + 11 कितना होगा, 24 + 11 कितना होगा 35, तो ये आ जाएगा 35/12 × 480, 35/12 × 480, 8 से इसको काट दो, 8 × 24 तो 0, 3 × 9, 3 × 6 = 690 प्लस 12 × 48 0, 35 × 70 × 140 तो ये हो जाएगा 140, तो 1400 हो गया, 1400 में 690 ऐड करना है, 0, 9, 6 और 4, 10, ये 2090 आ रहा है क्या, जल्दी बताओ मुझे। क्वीन जी आपकी फर्स्ट क्लास है, परसेंटेज समझ नहीं आ रहा तो डूब के मर जाओ तुम लोग, मैंने तुम लोगों को नहीं समझाया है क्या, मुझे बताना एक बार। अब ये तुम लोगों की कमी है भाई, 11 बजे वाला जो बैच चलता है, जो कि सुबह चलता है, मैंने तुम लोगों को 3 टेबल वहां पर याद करवाई थी, जिनको नहीं आता एक बार दोबारा बता रही हूँ देख लो, 87.5% तो आपको याद करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, 87.5% बराबर होता है 7/8 के। ये कैसे आया था मैंने ये भी बताया था, 12.5% किसके बराबर होता है 1/8 के, हम लोगों ने याद किया हुआ 1/8 के, 87.5%, 7.5% कब आएगा जब आप इसको 7 से गुना करोगे, तो यहां पर भी आपको 7 से गुना करना पड़ेगा, तो 1/8 को 7 से गुना करेंगे तो 7/8 नहीं आएगा क्या, 87.5% 7/8, यहां पर क्या है 91.66%, या आप इसको क्या लिख सकते हो 91/2/3%, 91/2/3%, ये कब आएगा, तुम्हें जस्ट एक सेशन से पहले वाले सेशन में सेम यही परसेंटेज करवाई है, तुम्हें 81/3% याद नहीं रहता, 81/3% किसके बराबर होता है 8.33%, 1/12 के बराबर होता है, तो आप ये वैल्यू कैसे देखोगे, आप देखोगे 100% में से माइनस करना पड़ेगा 81/3%, 100% क्या होता है 1, 1 में से माइनस करना पड़ेगा 1/12, 1 में से माइनस करेंगे 1/12 तो कितना आएगा 11/12, कितना आएगा 11/12, तो सिंपल सी बात बन गई। अब देखो आप इसको पेपर, हाँ अब आप देखो आप इसको, प्रियंका की फर्स्ट क्लास है, चलो प्रियंका बहुत अच्छी बात है, एक मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट रह चुकी है प्रियंका, और बड़ी इंटेलिजेंट प्रियंका जो है स्टूडेंट थी वो, जब मैं किसी और प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रही थी, बहुत सारे अपने दोस्तों को वो लेकर के आती थी मेरी क्लास में, ठीक है, तो बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है, और मैं चाहती हूँ प्रियंका चौरसिया जो कि आज फर्स्ट क्लास आई है, जो मेरी स्टूडेंट बन गई है, ठीक है, मैं चाहती हूँ वो लगातार मेरे सेशंस को अटेंड करे, और आप नए नए तरीके सीखो यार, मजा आता है सीखने में। अब मैं जो ये क्वेश्चन पेपर में देखूंगी, मैं तो सीधा इसको लिखूंगी भाई, मैंने पेपर में ये क्वेश्चन देखा और मैं सीधा लिखूंगी 200% + 87.5%, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैंने इसको देखा मैं इसको सीधा लिखूंगी 200% + 91.66%, क्योंकि मुझे इनकी वैल्यू याद है, इसकी वैल्यू याद है 11/12, तो 2+11/12, तो 24+11 35/12 इसकी वैल्यू आ जाएगी, बोलो इसमें क्या दिक्कत, 200% 2 प्लस इसकी वैल्यू 7/8, 8 × 2 = 16 और 7 कितना होगा 23/8, तो मैं इसके प्लेस पर सीधा 23/8 नहीं लिखूंगी पापियों, 23/8 × 240 + 35/12 × 480 ऐसे नहीं लिखूंगी, मुझे बताओ, आरसेस को नहीं काटूंगी, मुझे बताओ 690 नहीं आएगा प्लस 12 × 48 नहीं करूंगी 1400 नहीं आएगा, और 1400 में 600 ऐड करेंगे तो 2090 नहीं आएगा आंसर, 2090 इसका आंसर नहीं आएगा, 2090 इसका आंसर होगा, अभी से याद करना शुरू कर दो परसेंटेज वैल्यू को, बाद में बहुत दिक्कत आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्यार से करना इस क्वेश्चन को, चलो जी, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, अवदेश, अतुल,
वेरी गुड अतुल, संजय, आकांक्षा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, वेरी गुड। और सेशन को साथ साथ लाइक भी कर दो अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया आकांक्षा, अच्छा गई आकांक्षा, मैं तो तुम्हारी फैन हो गई हूँ आकांक्षा, बहुत ही बढ़िया। कैसा, तुम लोगों को ना पहले माइंड को काम करना सिखाना है ना। सीधा हम लोग अगर अप्रोचेस पर आ जाएंगे, सीधा हम लोग सोचेंगे कि जल्दी जल्दी आंसर दे, तो फिर माइंड काम नहीं करेगा। माइंड को काम करवाओ, इसको आसान कैसे बना सकते हैं वो आपको चीजें सोचनी है। मुझे आंसर बताया है अक्षय ने, आंसर मुझे बताया है 4240, आंसर मुझे पता चल रहा है 4240 ए ऑप्शन। अच्छा आप इसको कैसे करोगे मेरे बच्चे, कैसे करेंगे इसको, अच्छा इधर देखो, आसान कैसे बनाओ। तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने परसेंटेज वैल्यू को ध्यान से देखा है, ध्यान से देखा तुमने, नहीं देखा ना। 24% को क्या लिखोगे भाई, 25% माइनस 1%, 76% को क्या लिखोगे भाई, 75% प्लस 1%। अच्छा 25% लिखेंगे तो इसका 1/4 करना पड़ेगा, इसका 1/4 करना कितना आएगा, 4 से भाग देना, 4 × 4 17, 4 × 16 1440 आएगा, बोलो बोलो। 25% माइनस 1% कितना होगा, 57.6 होगा, प्लस में 75%, 75% क्या होता है, 3/4, 3760 का 3/4, 4 से डिवाइड करना, 4 × 36, 4 × 16 0, 4 × 12 9 × 27 और 1 × 28 2820 हो जाएगा, 2820 प्लस में 1% 37.6, बोलो राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा है मंजीत, अरे बोलो। 24% को अगर आपने 25% माइनस 1% नहीं लिखा तो समझ लेना तुम्हारे माइंड से अभी जर नहीं हटा है। अगर आपने 76% को 75% प्लस 1% नहीं लिखा, आसान बना सकते हैं, तभी हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। आसान बनाना है आपको, वो आपको देखना है आपको कैसे बनाना है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इन टर्म्स को देखूं, आप ध्यान से समझना, ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस का 0.6 प्लस का 0.6 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बात आप समझ जाओगे। अब देखो माइनस का 57 है, प्लस का 37 है, तो माइनस का 20 आ जाएगा, माइनस का 20, तो इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ, माइनस का 20 तो 1420 लिख देती हूँ, 20 सीधा इसमें से माइनस कर देती हूँ, ठीक है। अब इसको प्लस करना है, तो 0, 2, 2, 4, 8 और 4, 12, 2, 3, 4, 4240, बिना किसी गलती के कम स्टेप्स में आंसर आ सकता है, 4240 इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 4240 बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका, समझ गए राधे राधे। चलो जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे मेरे को जल्दी बताएंगे सारे लोग, ठीक है। Thank you.
हाँ अथर्वा जी, दिल्ली में जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड कर दिया, मतलब 1 वीक का लॉकडाउन हो गया, मतलब नेक्स्ट मंडे तक लॉकडाउन है अभी, ठीक है। तो आप लोगों, जो लोग पढ़ाई वाले जो स्टूडेंट हैं, वो लोग घर में बैठ करके आराम से सेफ्टी से आप लोग पढ़ो, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से घर पर बैठो, ठीक है। हेलो जी सृष्टि जी, हेलो, गुड इवनिंग। इंस्तानिया, इतनी लेट क्यों आए हो भाई? कोई इसका आंसर बताएगा? कोई मेरा पापी बच्चा इसका आंसर क्यों नहीं बताते हो? इधर देखो, इसको 2 दे दूं क्या? इसको 2 ट्रांसफर कर दूं? 58% टू 650, 2 क्यों ट्रांसफर करूंगी? ये उन बच्चों को समझ में आएगा जो मेरे से लगातार पढ़े हैं। तो ये कितना बनेगा? 1300 बनेगा, 1300। और ये कितना बनेगा? 29% ऑफ 1300, बोलो। परसेंट से 20 कैंसिल करते हैं, इसको मैं लिख देती हूँ 29 × 13, बल्कि इसको आप 13 से गुना ही कर दो, ठीक है। आप इसको 13 से गुना ही कर दो, कितना आएगा? 13 × 117, 117 का 7 कैरी 11, 13 × 26 और 11, 6 × 7, 2 × 3, ये आ रहा है 377। बताओ यही आ रहा है क्या? जल्दी से बताओ सब लोग, पहले मेरे को ये बता दो, इसका 377 आ रहा है 58% ऑफ 650। अगर आप 58% ऑफ 650 देखोगे, इसको 2 उधार दोगे, 2 उधार दोगे तो ये 1300 बनेगा, 29% ऑफ 1300, परसेंटेज से 20 कैंसिल, 29 को 13 से गुना करेंगे तो ये आएगा। प्लस में क्या है? 897, प्लस में 897 बाय में एक्स, माइनस में, अच्छा इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको 2 उधार देंगे, सेम तरीका, इसको 2 उधार देंगे तो ये कितना बनेगा? 1500। और ये क्या बनेगा? 31% ऑफ 1500, जल्दी बताओ। 31% ऑफ 1500 माइनस का 19 है, परसेंटेज से 20 कैंसिल, इसको 15 से सोल्व कर दो, 15 × 1 = 15 × 5 = 1, 15 × 45 = 46, है ना, ये आ जाएगा। कुछ गड़बड़ लग रही है क्या तुम लोगों को क्वेश्चन में? कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 13 आ रहा है आंसर, अच्छा। इधर देखो एक बार, अगर मैं यहां पर देखूं माइनस का क्या आएगा एक बार बताना, 377 और 465 को डील करेंगे तो क्या आएगा? 15 में से 7 माइनस करते हैं 8 आ जाएगा, और 15 में से 7 माइनस करते हैं 8 आ जाएगा, देखना ये आ रहा है क्या? -88। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इधर देखो, 897 बाय एक्स इज इक्वल टू -88, राइट हैंड साइड पर जाएगा तो प्लस का 88, 18 में से 9 माइनस करेंगे 9, और यहां पर आ जाएगा 669 से ये जाता है क्या बताओ मुझे? 69 1 जा 69, 0 207, 3 पर जाता है ना, 69 3 पर जा रहा है, तो x की वैल्यू 13 आ रही है भाई, x की वैल्यू 13 आ रही है। 13 जिन लोगों ने आंसर बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है, 13 जिन लोगों ने आंसर बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अप्रोच आपकी मायने रखती है, अप्रोच कैसे मैनेज करोगे पेपर में, आपको दो ही बातें सोचनी है, बाकी कुछ तो सोचने का है नहीं एक्स्ट्रा इसमें, आपको सिर्फ इसको सोल्व करने का सोचना है और इसको सोल्व करने का। तो दोनों में यूनिट प्लेस पर 5 है, मतलब टेंस प्लेस पर यहां तो 0 है, तो 0 को तो हम नहीं देखेंगे, तो आप इसको 2 उधार दे दो, आसान बना दो, है ना। आप इसको लिख देना 31% ऑफ 1500, और जब आप इसको 2 उधार दोगे तो आप लिखना 29% ऑफ 1300, इससे आपको आसान पड़ता है। परसेंटेज से 20 कैंसिल, आपने गुना किया 377, प्लस में 897 बाय एक्स, और यहां पर माइनस में क्या आ रहा था जब आपने सोल्व किया? 15 × 45 = 46 इज इक्वल टू -19, आपने इसको और इसको सोल्व किया, माइनस का 88, यहां पर जाकर के प्लस का 88, तो यहां पर 897 बाय एक्स इज इक्वल टू 69 बाय में कुछ नहीं है, 69 से इसको काटा 13, तो एक्स की वैल्यू 13 आ गई, एक्स की वैल्यू 13 जिन लोगों ने आंसर बताया है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। नहीं ऋषिकेश, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मनीषा, नहीं आना सोल्व करना तो तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है भाई, इसमें प्लस माइनस है, इसमें मैं तुम्हें क्या अलग करा रही हूँ मनीषा, मुझे बताओ। प्लस माइनस तुम्हें नहीं आता तो फिर तो तुम्हें बेसिक चीजें देखनी चाहिए भाई, पहले प्लस माइनस तुम्हें सीखना चाहिए मनीषा, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये तो आसान है बहुत। गणेश, अनिरुद्ध, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ, बाकी लोगों को ये क्लियर है या तिबारा बताओ, जल्दी से बताओ सब लोग, बोलो बोलो मेरे बच्चों, मेरे बच्चे सारे बताएंगे, अभी इतने चालाक है मेरे बच्चे, इतने अच्छे मेरे बच्चे हैं, ठीक है जल्दी बताओ। सोनू, समझने के लिए क्लास में रेगुलर आना पड़ेगा, रेगुलर नहीं आओगे तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है। जो लोग रेगुलर हैं वो मुझे बताओ उनको समझ में आया कि नहीं। अब मैंने 2 उधार कैसे दिया, क्या मैंने किया, ये तो आपको बातें तभी समझ में आएंगी जब आप पिछले सेशन देख करके आओगे, सीधा ही सेशन में आ जाओगे तो फिर समझ में नहीं आने वाली बातें आपको,
ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर सौरभ? चलो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी चलो जी, अरे 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 अरे, बहुत ही बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारी बातें सीखेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, नई नई बातें सीखेंगे, लेकिन उसके लिए रेगुलरिटी से आपको सेशन अटेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। 30 सेकंड का समय आपको दे रही हूँ, 30 सेकंड का, जल्दी से करके दिखाओ इस क्वेश्चन को सब लोग। चलो रुतुजा जी, वेरी गुड वेरी गुड, 97 हो गए हैं। जल्दी से सेशन को शेयर करो, 100+ स्टूडेंट कर दो, और सिंप्लीफिकेशन आप सीख रहे हो लगातार, एक नई अप्रोच पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक बार शेयर करना तो बनता है जी, बनता है शेयर करना, बनता है। देखो सी ऑप्शन आंसर मुझे मिल रहा है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सौरभ सिंह ने बताया भाई, सी ऑप्शन। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं जल्दी बताओ। विनय, मैं तो शुरू से ही ऐसे पढ़ा रही हूँ, 7-8 सालों से ऐसे पढ़ा रही हूँ, जिनको आता है ऐसे पढ़ लिया करो, नहीं आता कहीं और से पढ़ लो यार, कोई तुम्हें बाउंडेशन तो बिल्कुल नहीं दे रही हूँ विनय। मैं तो ऐसे गा के ही पढ़ाती हूँ, मेरी आदत नहीं है, हर एक का अपना अपना तरीका होता है ना, मेरा तरीका है गा के पढ़ाने का, और मैं वही तरीका यूज करती हूँ और वही यूज करूंगी जब तक मेरे सांसें नहीं रुक जाती, ठीक है। सी ऑप्शन बी ऑप्शन, वेरी गुड, सी ऑप्शन बी ऑप्शन बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं मेरे, संजय, निखिल, अंकिता, निरुद्ध, ऋषिकेश, अवदेश, बी और सी बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। अच्छा मेरी हेल्प करो, 20 से 20 परसेंटेज कैंसिल करूंगी, तो यहां तो आप 56 into 24 लिखोगे, ठीक है, परसेंटेज से 20 कैंसिल करूंगी, -82 into 60 लिखोगे, कोई टेंशन नहीं, इज इक्वल टू एक्स माइनस, परसेंटेज से 20 कैंसिल करूंगी, 32 into 18 लिखोगे, यहां तक किसी को कोई टेंशन नहीं, यहां तक किसी को कोई टेंशन नहीं। बहुत सारे लोगों ने यहां पर मुझे आंसर सी ऑप्शन बताया, अभी चेक करते हैं क्या आ रहा है, देखो जरा। अच्छा ये तो दो डिजिट को दो डिजिट से गुना हो गया ना। बोलो बोलो, ये तो दो डिजिट को दो डिजिट से गुना हो गया, और ये तो मैंने सिखाया है कैसे करते हैं, 6 चौक 24 का 4, कैरी 2 के बाद 6 दुनी 12, 5 चौक 20, 20 और 12 कितना होगा 32, 32 और 2 34 का 4, कैरी 3, 5 दुनी 10, 10 और 3 13, यहाँ 1344 आएगा। दो डिजिट को दो डिजिट से गुना करना आना चाहिए, 0 6 दुनी 12, 8 6 48 और 1 4920 इज इक्वल टू एक्स माइनस 18 के टेबल, 18 दुनी 36 का 6, कैरी 3, 18 3 54 और 3 57, बोलो बोलो, और ये 1344 माइनस 4920 प्लस में 576 ये आ गया। कुछ नहीं करना, इसका और इसका एडिशन करो, जल्दी करो, 6 और 4 10 की 0, कैरी 1, 7 और 1 8 और 4 12 का 2, कैरी 1, 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 1 6, तुम लोग गलत बताते हो मुझे, मुझे बताओ। एक सेकेंड रुक जाओ, आंसर तो जो है वो माइनस में आएगा, ठीक है, आंसर जो है वो माइनस में आएगा। एक बार मैंने इसका एडिशन सही नहीं किया क्या, 6 और 4 10 की 0 कैरी 1, 7 और 1 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 5 और 3 8 और 1 9 और 1 एज इट इज, यहां पर आ रहा है माइनस का 3000 भाई, माइनस का 3000, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन। विनय, मेरा जो मन चाहेगा मैं वो बोलूंगी ना, तुमसे पूछ के थोड़ी ना बोलूंगी विनय, मुझे बताओ विनय क्या बोलना है, ठीक है। अगर आपको, देखो मैं सब लोगों को बोलूं जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो पढ़ो, मैं बहुत प्यार से पढ़ाती हूँ, बहुत आराम से पढ़ाती हूँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो बार बार सेशन में आकर के ये मत बोलो कि आप ऐसे मत बोला करो, या जो भी समथिंग 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 आप बोलते हो, जो मेरी टोन है वो रहेगी और वो ताउम्र रहेगी जब तक मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। जिसको समझ में आता है उस टोन में वो पढ़ लो यार, जिसको समझ में नहीं आता वो मत पढ़ो, ठीक है। मेरा जो तरीका है उस तरीके को थोड़ी ना मैं बदल सकती हूँ, वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तुक्का नहीं मारना है, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है,
ठीक है, और इतनी प्यार से पढ़ाने वाला टीचर तुम्हें मिलेगा नहीं यार। मैं बहुत प्यार से पढ़ाती हूँ मेरे बच्चों को, इतने प्यारे प्यारे मैं शब्द बोलती हूँ, इतने अच्छे अच्छे वर्ड बोलती हूँ मैं, और मुंह बना के मैं पढ़ा नहीं सकती। मैं तुम्हें बहुत बार बोल चुकी हूँ, मेरे को मुंह बना के नहीं पढ़ाना यार, मैं मुंह बना के नहीं पढ़ा सकती। ठीक है, चलो एक बार चेक करो, जाए जय करा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय करा लगा दो। नवरात्रे का समय चल रहा है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार आपके अंदर और मेरे अंदर जल्दी से करते हैं, जरूरी है अभी पॉजिटिव एनर्जी का संचार करना। जल्दी से एक बार सब लोग जय करा लगा दो प्यार से। फास्ट मल्टीप्लाई कैसे की जाए अखिल, उसके लिए आपको मेरी 2 से 3 क्लासेस पहले वाली क्लास देख लो, जिसमें मल्टीप्लिकेशन सिखाई है, आप सीख जाओगे। ठीक है, हाँ तुम लोगों को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मुझे सेम यही चीज लिखते हैं, सृष्टि जो आपने लिखी है, बहुत सारे जो लोगों के मम्मियां हैं स्पेशली वो लोग जो है वो मेरी क्लासेस बहुत देखती हैं। ठीक है, और जितने भी सब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर मेरी क्लास देख रहे हैं, सब लोगों को नमस्ते। और मैं अपनी क्लासेस में बच्चों को बिल्कुल गा के पढ़ाती हूँ, और मैंने तो भजन भी सुनाया, तुम्हें भी सुनाती हूँ भजन, चलो सुनो मेरे साथ। सब लोग तालियां जो है बजाएंगे, एक भजन मैं मेरे बच्चों को सुनाती हूँ जो लगातार मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता भी है, एक ही लाइन आती है, मुझे ज्यादा नहीं आता। चलो मुझे ये बताओ, भजन सुनने के लिए तैयार हो? चलो जल्दी से बताओ, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से बताओ सब लोग। जल्दी से सारे मेरे बच्चे एक बार बता दो, चलो सुना देती हूँ। एक भजन है, नहीं तेरी, सॉरी तेरी है, मैं मेरी बोल रही थी, तेरी यमुना दा मीठा मीठा पानी मटकिया बार लैण दे, तेरी यमुना दा मीठा मीठा पानी मटकिया बार लैण दे, सुना हुआ तुम लोगों ने? ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को भजन भी सुना दिया, और ये मैं लगातार सुनाती हूँ, तुम लोग तो अभी मेरे से जुड़े हो तो धीरे धीरे पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताओगे इसका आंसर क्या आएगा, सब लोग फटाफट से बताओ। चलो सचिन, पूरी फैमिली देखती है क्लास, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो अभी इसको बातें बताओ, आवाज तो बहुत अच्छी, आवाज ऐसी है कि जागरण में ना मुझे जैसे ही मैं जाऊंगी ना मंडली में, मुझे तो बिल्कुल वो एक ही गाना गाऊंगी मैं, मुझे बोलेंगे आप हमारी मंडली में आ जाओ, मेरी आवाज बिल्कुल जागरण में जिस तरीके से गाते हैं ना मंडली जो गाती है, बिल्कुल उनकी तरह है मेरी आवाज। ठीक है। आशिमा के पापा बहुत खुश हो जाते हैं, किसी की मम्मी खुश हो जाती है, किसी की पूरी फैमिली क्लास देखती है, चलो इससे अच्छा क्या है यार, आप लोगों की फैमिली मेरे से जुड़ी हुई है, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है मेरे लिए, है ना। हाँ अखिल, सबकी क्लासेस होगी, ठीक है, सब ऐसे ही घर से क्लास लेंगे, क्लासेस सबकी होगी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे जल्दी से सब लोग। अच्छा, मुझे सब लोग ये बताओ, 27.27% किसके बराबर है? चलो फटाफट से सब लोग, हाँ संडे को छुट्टी रहती है, 27.27% किसके बराबर है जल्दी बताओ? 9.09% के बराबर है, 9.09% के बराबर है जल्दी बताओ। और इसका क्या मतलब है 9 1/11%, इसका क्या मतलब है 1/11 जल्दी बताओ, ये इससे रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है? अगर आपने मेरी पहले क्लासेस अटेंड किया है तो मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपको परसेंटेजेस में 9 का मल्टीपल मिले तो ये 9 का मल्टीपल है, कैसे, 9 * 27 * 9 * 27 तीन से गुना कर दिया तो ये कितना बनेगा 3/11, अगर यहाँ 3 से गुना किया है तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, और 1/11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/11 आएगा, तो ये क्या बन गया 3/11 × 1320, 3/11 × 1320। ठीक है, अच्छा इधर देखो, प्लस में 30% ऑफ एक्स एसेट्स लिखते हैं, इधर देखो 30% ऑफ एक्स, अब इसको समझो सब लोग, 120
12.5% ऑफ 720 लिखा है, इसको कैसे सोल्व करूं? इसको आप सब लोग जानते हो, 100% प्लस 12.5% लिखा जाएगा, 100% 1 के बराबर, 12.5% 1 बाय 8 के बराबर, 1 में 1 बाय 8 ऐड करेंगे तो 9 बाय 8 आएगा, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 9 बाय 8 इंटू 720, जल्दी बताओ, 9 बाय 8 इंटू 720, 8 नीम 72, 9 नीम 81, तो यहां पर 810 आ जाएगा। इसको सोल्व करो, 11 एकम 11 दूनी 22, 12 तिया 36, 360 माइनस कर देते हैं और यहां पर 30% ऑफ एक्स है ना, तो इसको सोल्व करना जरा कितना रहा है, 0, 11 में से 6, 7 में से 3 गए 4, 30% एक्स का 30% 450 के बराबर है। आपको एक्स फाइंड करना है, आपको 100% की वैल्यू, 100% किसके बराबर होगा, चलो जल्दी से मुझे बताओ, 100% किसके बराबर होगा 1500 के, 100% किसके बराबर होगा 1500 के, बी ऑप्शन आंसर बनेगा। वेरी गुड ओजस्वी, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, जिन लोगों ने इसका आंसर बता दिया है 1500 बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। अब आप लोग पेपर में जल्दी कैसे करके आओगे, सब लोग इसको माइंड में कैसे करके आएंगे, 27.27% 1/11 का मल्टीपल है, तो इसको मैं सीधा लिख दूंगी एग्जाम में 3/11 इंटू 1320 प्लस में 30% ऑफ एक्स में एज इट इज लिख दूंगी, 100% 1 प्लस 1/8 तो 9/8 इंटू 720 सीधा लिखेंगे, ठीक है, 800 इसको काटोगे आप ये तो 810 आ जाएगा और इसको आप लोग सोल्व करोगे तो ये आ रहा है 360, आप माइनस कर दोगे तो यहां पर आ रहा है 450, तो 30% एक्स का 450 के बराबर, तो एक्स किसके बराबर 1500 के, तो सीधा आप लोग आंसर पर टिक करोगे 1500, ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो जल्दी से बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग, अनिरुद्ध, गणेश, कविता, सचिन, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, सेशन को साथ साथ लाइक करते रहा करो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो, ठीक है। नहीं 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 नमो हो जाए तो अच्छी बात है, पर जो चल रहा है वो भी अच्छा है, ठीक है। हां जी मंजीत जी बिल्कुल, टू पॉइंट जीरो रोमन मुझे नहीं पता है, पता होता तो मैं बताना देती, किसी को भी नहीं पता है, 25 अप्रैल को ही पिटारा खुलेगा सुबह 11 बजे, ठीक है। डी ऑप्शन मुझे मिल रहा है, चलो ऋषिकेश बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। नहीं मंजीत ऐसी बात नहीं है, ये तो है कि मैं लैंग्वेज थोड़ी आसान यूज करती हूँ कि आप सबको समझ में आ जाए। अच्छा बेदर देखो, 25% 1/4 के बराबर लिखोगे, 40% 2/5 के बराबर लिखोगे और 325 एज इट इज लिखोगे प्लस में, इसको आप गुना कर दो, 4 तिया 12, 12 चौक 48 और एक 492 इज इक्वल टू में एक्स आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। 5 इसको काट दो, 5 6 30, 5 5 25, 2 2 4, 2 से इसको काटो, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, अरे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, 32.5 में 492 एड करना है, तो ये तो आप सब कर सकते हो, इसमें क्या दुविधा है, 2 2 4 9 और 3 12 11, 524.5 क्या यही आ रहा है, 524.5 डी ऑप्शन आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन बहुत सारे लोगों ने बता दिया, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं, बताओगे अगले क्वेश्चन का आंसर सब लोग, वेरी गुड वेरी गुड। रामायण, नमो, अमित, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड।
रूपाली, आप 65 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, 32.5 नहीं आएगा जब आप डिवाइड करोगे 65 को 2 से? 65 को 2 से ही तो डिवाइड किया था हम लोगों ने। हेलो दिव्यांश जी, दिव्यांश पांडे जी नमस्ते। मैं अच्छी हूं, आप कैसे हो? बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं सनाकी जी। जगह से बताओ भाई। अच्छा एक बात सुनो, यूनिट प्लेस पर 5 है, इसको 2 उधार दोगे सब लोग ना, मेरी बात मानोगे ना, इसको क्या लिखोगे? 19%, 19% 2 उधार दोगे। 5 2 10 की 0 कैरी 1, 9 2 18 और 1 19 का 9 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 590 प्लस में। इसको क्या लिखोगे? 2 3 31, इस भी 2 उधार दे देते हैं, 31% ऑफ 90, इसको 2 दोगे तो 45 2 90, 4 2 8, 890 से इक्वल टू एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, इतना सही है, हम लोगों ने सही लिखा है ना? बिल्कुल सही लिखा है, कोई परेशानी नहीं है। चलो मेरी वजह से तो नहीं देवयांश, आपने मेहनत की थी इसलिए आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, चलो आंसर मुझे मिल रहा है, आंसर मुझे मिल रहा है बी ऑप्शन, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं बी ऑप्शन, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं आंसर। ई ऑप्शन 990, तुक्का ना मारो। यस मैम, 990 आएगा। 990 कैसे आएगा भाई? इसको हमने 2 उधार दिया है तो 2 3 6, 2 1 2 31%, 45 2 90, 4 2 8, 890 ही आएगा भाई, 890 आएगा। 190, 2 2 4 और 1 590 यहां पर आएगा। सही लिखा है मैंने, मैंने कहीं गलत गलती तो नहीं की ना? चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बताओ कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने, बोल दो, अरे बोल दो। अच्छा अब हम लोग 19 से ना इसको गुना करते हैं, मेरी बात सुनो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना आप 19 से गुना कर देना इसको, पॉइंट के बारे में बाद में देखेंगे। 19 नीम क्या होता है? 171 का 1 कैरी आ जाएगी। 17 19 5 95 में 17 एड करो, 7 और 5 12, 9 और 2 11, 112, तो ये आ रहा है 1121। परसेंटेज है, बाय में 100 जाएगा तो 1 से पहले पॉइंट लगेगा, इसका आंसर आएगा 112.1। इस पार्ट का, इस वाले पार्ट का ए आएगा। अब इसको सोल्व करना है, इसको कैसे करें, इसको आसान कैसे बना सकते हैं, मेरी बात सुनो, इसको आसान कैसे बनाएं, इसको मैं ऐसे लिखूंगी, देखो 890% ऑफ, 890% ऑफ 31, आसान पड़ेगा ऐसे, ध्यान से देख लो, 890% ऑफ 31, पहले 800%, 8 एकम 8, 8 3 24, 800% हो गया, 90% 9 बटा 10, तो 9 एकम 9, 9 3 27 बटा 10, तो ये आ जाएगा। बताओ इससे आसान तरीका हो सकता है क्या? मुझे बताओ पहले इससे आसान तरीका हुआ क्या? अभी देख लेते हैं क्या आ रहा है। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन नहीं लो भाई, जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा हमारा। ठीक है, अच्छा अब देखो 112, 112 में ये 0.1 और 0.9 है, तो 0.1 और 0.9 देखेंगे तो 10 आ जाएगा ना, तो 113 प्लस 27 कर देते हैं ना, 113 प्लस 27, 7 और 3 10, 2 और 2 4, 140, तो 140 इसमें एडिशन कर दो आप, 8 4 और 4 8, 388, 388 आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका आंसर आ रहा है 388। ओजस्वी, वेरी गुड ओजस्वी, बहुत ही बढ़िया। बाकी जो लोगों का 0.1 आ रहा है या कोई 385 बता रहा है तो वो गलत है, बी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। बिना गलती की क्वेश्चन को कर सकते हो। यूनिट प्लेस पर 5, सबसे आसान तरीका तुम लोगों को बताया हुआ है यार, तुम लोग चाहते या तो मेरी बात नहीं सुनते हो। इसको आप 2 उधार दोगे तो 19% ऑफ 590, आप इसको 2 उधार दोगे तो 890, 31%। इसको आसान कैसे बनाऊं? आसान इसको ऐसे बना सकती हूँ, जब मैं 890% ऑफ 31 लिख दूं, 800% करूंगी, 8 एकम 8, 8 3 24, 90% इसका फाइंड करूंगी तो 9 से गुना, 9 एकम 9, 9 3 27, और 90% है तो 9 बटा 10 होगा, तो 1 से पहले पॉइंट, तो ये आ जाएगा 248 प्लस 27.9, ये मैंने लिख दिया, 388 इसका आंसर आ गया। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? 388 अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये एग्जैक्ट है, तभी तो हमने एग्जैक्ट फाइंड किया है, हम लोगों ने तो एक भी नंबर इधर उधर नहीं किया है ना,
हम लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट फाइंड किया है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के डिस्कस किए, मैंने आपको बता दिया सिंप्लीफिकेशन बैंकिंग में सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है, तो बहुत जरूरी आप सब लोगों के लिए सीखना, और आंसर नहीं अप्रोच हमें सीखनी है पहले, ठीक है। 2 से 3 दिन लगातार सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे जिसमें आपको अप्रोच आ जाएगी, और फिर आप लोग देखना आप में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, आप खुद इतने फास्ट फास्ट करने लग जाओगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सब लोगों को, मिलूंगी आप लोगों से सुबह 11 बजे परसेंटेज एक नए टॉपिक के साथ, और आप लोगों से मिलूंगी फिर शाम को 5 बजे फाउंडेशन बैच के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सब लोगों को, बाय बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट।